भ्रष्ट नगर निगम MIC सदस्य के खिलाफ भाजपा मंडल अध्यक्षों का नगर निगम घेराव। भाजपा मंडल अध्यक्ष एवं कार्यकर्ताओं द्वारा आज शास्त्री वार्ड के पार्षद गुलाम हुसैन, जो वर्तमान में MIC सदस्य भी है, उनके खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए उन्हें बर्खास्त करने की मांग महापौर के समक्ष की गई। मंडल अध्यक्ष के द्वारा बताया गया कि पूर्व में पार्षद गुलाम हुसैन के द्वारा भ्रष्टाचार वार्ड में किया गया, जिस पर उन्होंने महापौर के समक्ष अपनी मांग रखते हुए उन पर कार्रवाई करने के लिए कहा, जिस पर महापौर जगत बहादुर सिंह अनु द्वारा 15 दिनों के अंदर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया गया। वहीं मंडल अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि अगर 15 दिनों के अंदर कार्रवाई नहीं की जाती तो वो उग्र आंदोलन करने पर विवश होंगे। मंडल अध्यक्षों ने आज नगर निगम में महापौर जी का घेराव किया, जो MIC सदस्य गुलाम हुसैन, जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के कई मामले दर्ज हैं और आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। ऐसे व्यक्ति को MIC बनाकर कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का काम किया जा रहा है, जिसको लेकर आज भारतीय जनता पार्टी के चारों मंडल आज नगर निगम में आए थे और महापौर जी का घेराव किया, उनको अपनी बातें बताई हैं और उन्होंने हमें तत्काल 15 दिन के अंदर तत्काल इस पर कार्रवाई करने का और जांच करके कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। यदि इस प्रकार की कार्रवाई यदि वो नहीं करते हैं तो हम 15 दिन बाद फिर आएंगे और हम उग्र आंदोलन करेंगे। भारत माता की जय। नाम बताएं। योगेश लोखंडे, भारतीय जनता पार्टी मुखर्जी मंडल अध्यक्ष। गुलाम हुसैन जो है उनके द्वारा वार्ड नंबर 49 शास्त्री वार्ड में बृहद स्तर का जो है रोड और नालियों को लेकर घोटाला किया गया था, उसके संबंध में महापौर जी को हमने 3 बार चेताया था, तो आज उसी संबंध में हमने एक व्यापक धरना दिया है और महापौर जी ने और कमिश्नर साहब ने हमको 15 दिन का आश्वासन दिया कि उसकी जांच करा के और उसको तत्काल जो भी उचित कार्रवाई होगी उस पर काम किया जाए। किस तरह का घोटाला है इसमें? उसमें घोटाला इस तरह का है कि रोड और नालियां वर्तमान में बनी है नहीं, लेकिन बिल पास होके उसका पैसा निकाल दिया। इसमें कौन कौन गुनहगार हैं? इसमें इनके साथ में जो संभाग के इंजीनियर हैं, संभागीय अधिकारी हैं, वो सब सम्मिलित हो गए, तभी तो इतना बड़ा घोटाला किया उसने। पार्षद का क्या रोल काल है उसकी? अगर पार्षद भाई जिस तरीके के उसने प्लानिंग से काम किया, 1 लाख रुपए तक का जो पावर होता है वो संभागीय अधिकारी के पास में होता है, संभागीय अधिकारी के साथ मिली भगत करके उसने अपने लेटर के बिहाफ में पूरी रोडें और नालियाँ अपने ठेकेदार के द्वारा बनवा के उसका पैसा निकला। जो कि नालियाँ बनी, जो नालियाँ बनी नहीं है, रोड बनी है। अधिकारी को 10,000 का प्रावधान नहीं है, कैसे निकल लिया गया ये काम? अब हम लोगों को जो जानकारी है उसमें 1 लाख रुपए तक का सेंक्शन कर सकते हैं संभाग। नहीं 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 नहीं, संभागीय अधिकारी के पास में, पहले था संभागीय अधिकारी के पास, लेकिन ये पिछले ही कार्यकाल का है, इस अभी अभी का नहीं है, पिछले कार्यकाल का ही है। वो क्या नाम है आपका? मंगन सिद्दीकी।